What is going on, everybody? Welcome back guys to the channel. And ये बड़े जो गाइस मैं आपसे जो है गाइस एक न्यू गेम शेयर करने वाला हूं गाइस जो कि है गाइस स्टैटिक शिफ्ट रेसिंग करके. एंड ये जो गेम है गाइस आई थिंक ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है. ये जो है गाइस वर्ल्ड वाइड लॉन्च नहीं हुआ, ये होने वाला है. अगर मैं आपको सामने पोस्ट दिखाऊं गाइस तो यहां पे जो है गाइस अगर ये वापस आए तो ये जो गेम है गाइस रिसेंटली रिलीज हुआ है. अब ये जो है गाइस वर्ल्ड वाइड अभी तक नहीं हुआ है. यहाँ पे जो है गाइस मैं सामने पोस्ट दिखा देता हूँ, ऑफिशियल्स ने डाली है. ये गेम जो है गाइस 18 जनवरी को जो है गाइस वर्ल्ड वाइड ग्लोबली रिलीज होने वाला है, ठीक है. 18 जनवरी को, यहाँ पे कुछ ही दिन बचे है. लेकिन फिलहाल के टाइम में जो है गाइस ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के लिए अवेलेबल है. अभी देखो गाइस यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है वीपीएन के जरिए. यहाँ पे जो है गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देता हूँ. यहाँ पे जो है गाइस आप एपीके राइट अवे डाउनलोड कर सकते हो. एंड गाइस इस गेम की साइज इतनी भी बड़ी नहीं है, ठीक है. अब ये कार स्ट्रीट जैसा है. अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ये गेम कैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये जो है गाइस एक नीड फॉर स्पीड वाला अंडरग्राउंड, यू नो एनएफएस अंडरग्राउंड वाला जो है गाइस वैसे गेम एक्सपेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे जो है गाइस डे एंड नाइट वाला फीचर नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैंने ज्यादा खेला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है गाइस मैंने जितने भी यहाँ पे कुछ वीडियोस देखे ऑफिशियल के, यहाँ पे फोटोज देखे, सब में जो है गाइस नाइट मोड या फिर नाइट वाला वेदर है, ठीक है. तो मुझे जो है ऐसे लग रहा है कि अंडरग्राउंड वाले वाइब्स है, एनएफएस अंडरग्राउंड टाइप वाले. यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि कारेक स्ट्रीट का क्लोन है या फिर कारेक स्ट्रीट का सब्स्टिट्यूट है. ये गेम ओपन वर्ल्ड है, लेकिन ज्यादा बड़ा मैप नहीं है, ठीक है. मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे. सो गाइस बढ़ जाते हैं एंड मैं आपको साइज बता देता हूँ. यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा. एपीके है, लाइक एक्स एपीके है, तो आपको एक एक्स इंस्टॉलर या फिर एक्स एपीके इंस्टॉलर प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा. तो एपीके जो है 48 MB का है एंड इंटरनल डेटा जो है आई थिंक आपको 250 MB का डाउनलोड करना पड़ेगा. तो गेम अराउंड 300 MB का है, पकड़ लो, ज्यादा बड़ा नहीं है. लेकिन जो है गाइस गेम परफॉर्म अच्छा करता है. यहाँ पे जो है गाइस यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स तो है नहीं. अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ गाइस, यहाँ पे बस दो सेटिंग्स है, साउंड इफेक्ट एंड देन म्यूजिक. यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग आप चेंजेस नहीं कर सकते. तो बाय डिफॉल्ट जो है गाइस आई थिंक जो डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट करता है वैसे ही है. बट जस्ट लुक एट द लॉबी मैन, आई मीन आई एम प्रीटी इंप्रेस्ड. लॉबी के ग्राफिक्स देख रहे हो, मतलब जो रिफ्लेक्शंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है गाड़ी के ऊपर, उसके बाद यू नो ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि RTX ऑन किया है भाई मैंने. जाके जो है गाइस मैप दिखा देता हूँ. ये जो है गाइस ऐसा कुछ तो मैप है, देख सकते हो, ज्यादा बड़ा मैप नहीं है. बट फिलहाल के टाइम में जो है गाइस आई थिंक इतना छोटा उन्होंने मैप बनाया है. मे बी आगे जाके ये एक्सपांड हो सकता है, एक्सपांशन हो सकता है इस मैप का, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे गैराज में जाता हूँ, गैराज है, उसके बाद डीलरशिप है, ब्लैक मार्केट है, एंड ऑफकोर्स गाइस यहाँ पे कुछ रेसेस है, स्प्रिंट एंड देन आई थिंक स्प्रिंट एंड आई थिंक ड्रिफ्ट का भी होगा शायद से कहीं ना कहीं पे, या ड्रिफ्ट जोन वगैरह है. तो यहाँ पे जो है अगर मैं डीलरशिप में जाता हूँ, ट्रैवल कर देता हूँ, तो मैं आपको गाड़ी के कलेक्शंस भी दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है. तो अगर मैं ब्राउज कार में जाता हूँ, ये फिलहाल मैंने बाय डिफॉल्ट ली है. अगर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कार मॉडल्स भी अच्छे हैं यार, मतलब इट्स नॉट दैट बैड, राइट, ठीक है. मतलब आई नो बहुत सारे अदर गेम्स है ऑनलाइन ऐसे ओपन वर्ल्ड वाले, लेकिन यू नो ऐसे क्या कहते हैं, एक गुड मिक्सचर नहीं. ये जो है गाइस थोड़ा अच्छा मिक्सचर है, यू नो स्मॉल साइज में. यहाँ पे जो है गाइस 300 MB के इसमें है एंड यहाँ पे ज्यादा गाड़ियां नहीं है, दैट्स इट. इतनी सी गाड़ियां, आई मीन गाइस 300 MB है, तो ज्यादा आई डोंट थिंक सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट यहाँ पे जो है गाइस आप अपग्रेड भी कर सकते हो. अगर मैं जो है गाइस यहाँ पे लीव करता हूँ एंड अगर मैं चाहता हूँ शायद से गैराज में होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रैवल करता हूँ. एंड आपको जो है मैं आपको यहाँ पे अपग्रेड वाले भी चीजें दिखा देता हूँ. यहाँ पे कस्टमाइज भी है, यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें कस्टमाइजेशन के लिए. यहाँ पे मॉड्स है जो आप हर एक चीजों के लिए यहाँ पे कर सकते हो भाई, मतलब मिरर्स है देख सकते हो. सो या इन शॉर्ट मतलब कस्टमाइजेशन के मामले में यू नो कार स्ट्रीट जैसा है अगर देखा जाए तो. यहाँ पे जैसे देख रहे हो मतलब फुल बॉडी किट है वो आप लगा सकते हो. सो इट इज प्रिटी डोप, ठीक है, इट इज प्रिटी डोप. अगर मैं पीछे जाता हूँ गाइस, यहाँ पे पेंट भी है, यू नो पेंट शॉप भी है. उसके बाद यहाँ पे नियॉन जो है गाइस वो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, सेम कारेक स्ट्रीट जैसा. कारेक स्ट्रीट में भी जो है गाइस नियॉन फीचर शायद से आने वाला है, एंड इसमें भी जो है गाइस नियॉन फीचर अभी तक अवेलेबल नहीं है, ये बाद में की फीचर है. अगर मैं आपको स्टैंड्स दिखाऊं तो ये भी है, आप वो भी चीजें कर सकते हो अगर आपको यू नो अपनी गाड़ी की हाइट वगैरह बढ़ानी है, सस्पेंशन वगैरह जो भी है. और मैं अगर एक और चीज दिखाऊं अपग्रेड्स में, तो ये एक चीज है जो आप गाड़ी पे कर सकते हो. तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है कम साइज में. एंड अभी जो है गाइस मैं आपको मैप के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ कि यू नो ड्राइविंग मैकेनिज्म वगैरह कैसे है. तो ओपन वर्ल्ड है एंड आप रूम कर सकते हो इस मैप के अंदर. तो दिखा देता हूँ मैं, होल्ड टू स्किप. एंड आप जो यहाँ पे आ गए हो अभी, आप जो गाइस प्ले कर सकते हो. यहाँ पे जैसे देख रहे हो यहाँ पे कुछ टिकट्स होते हैं या फिर रेसेस पास होते हैं जो आप यूज कर सकते हो किसी एक रेस खेलने के लिए. तो मैं तो फिलहाल अभी रेस नहीं खेलूंगा.
हम जो है गाइस ओपन वर्ल्ड यू नो रोम कर सकते हैं एंड जस्ट लुक एट इट मैन, मतलब 60 FPS चल रहा है एक नंबर एंड ग्राफिक्स भी भाई मतलब अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे है देखा जाए तो 300 MB के गेम के लिए। क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो? हाँ, सो इट इज़ वर्थ इट, अगर आपको ट्राई करना है ट्राई कर लो, थोड़े यू नो NFS अंडरग्राउंड वाले वाइब्स दे रहा है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे जो है ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है फिलहाल के टाइम में, जैसे आप देख सकते हो आई थिंक कैमरा एंगल भी मैं चेंज नहीं कर सकता, सेटिंग सेक्शन में भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जस्ट म्यूजिक ऑन ऑफ करने वाली चीज़ है, अदरवाइज प्रिटी गुड। क्या बोलते हो, आई मीन मैप थोड़ा छोटा है देखा जाए तो, कार मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म, ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म भी थोड़े अच्छे है। ओ या, तो इट इज वर्थ इट, इट इज डेफिनेटली वर्थ इट, आई मीन अगर आपको ट्राई करना है ट्राई कर लो ये गेम। देयर इज ऑल्सो बूस्ट, अगर मैं पैडल को अप स्वाइप करता हूं, कम ऑन देयर इट इज, अरे बूस्ट लग जा भाई, मे बी आई थिंक पूरा मीटर चाहिए फुल, पता नहीं बूस्ट कैसे वर्क कर रहा है, बट यस गेम में बूस्ट भी है। एंड यहाँ पे और अगर मैं रोम करता हूँ तो क्या, देयर यू गो, या मुझे जस्ट बूस्ट मिला था एंड मैंने ठोक के वो वाट लगा दी, लेकिन जो भी है गाइस, आई मीन ऐसा कुछ तो गेम है, न्यू गेम है, सोचा कि आपसे शेयर कर दूँ। कोई कोई जन यहाँ पे कमेंट भी कर रहे कि भाई इस गेम को ट्राई मार, एक न्यू गेम आया है कारेक्स की तरह ओपन वर्ल्ड है, सो इट इज वर्थ इट ट्राई आउट देने के लिए। जैसे मैं आपको कार्ड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे एंड वर्ल्ड वाइड जो है एक गेम 18 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, तो आप राइट अवे उस टाइम जो है प्ले स्टोर से ले सकते हो, ठीक है। सो बस गाइस इतना ही था आज के शूट में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डेफिनेटली लाइक जरूर कर देना एंड जरूर बता देना आपके थॉट्स क्या है इस गेम के ऊपर, क्या आपको ये अच्छा लगा या फिर नहीं लगा, जो भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।